सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है भाई अपने चैनल पे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और हमें उठने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि भाई रात को नींद नहीं आ रही थी यार, 1 बजे सोए हैं। और अब नहा वहाँ के सब रेडी हैं और नहाते सबसे पहले गाड़ी लेके हम पहुँचे CNG पंप। वहाँ इतनी लंबी लाइन कम से कम 2 किलोमीटर की, अगर वहाँ लगते तो दोपहर तक नंबर आएगा। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश की तरफ और पहली बार जा रहा हूँ भाई वहाँ पे। अब आ रहा है कि हाँ कहीं घूमने जा रहे हैं, क्योंकि मसूरी तक का जो हिसाब था ना वहाँ पे वो एक्साइटमेंट नहीं थी यार, क्योंकि गए हुए हैं, वही चीज़ दोबारा जाके देखना है, वर्थ नहीं लग रहा था। तो भाई ऋषिकेश की तरफ आगे बढ़ते हुए दोनों भाई, ये देखो भाई ये टोल आया पहला देहरादून से। जब आप ऋषिकेश के लिए जाएंगे भाई तो ये पहला टोल पड़ता है हाईवे पे। चारों साइड भाई मतलब इधर तो हल्के पहाड़ हैं अभी, बट चारों साइड पेड़ ही पेड़ है, जंगल है, जंगल के बीच में से हाईवे है। और मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है भाई, भाई ड्राइव का अलग मजा होता है पहाड़ों में यार। वो भी इतना प्यारा हाईवे हो और दोनों साइड तुम्हारे व्यू ऐसे हो। ये हल्द्वानी वल्द्वानी है कि ना, पहाड़ दूर है काफी यहाँ से ना, वो मसूरी के पास। वो मसूरी, हाँ मसूरी इतनी हाइट पे तो वही होगा आसपास, इस साइड कुछ नहीं है, हल्के मतलब है बट हल्के हैं। ऋषिकेश 25, हरिद्वार 35, देहरादून एयरपोर्ट 7। भाई मज़ा आ गया यार इस ट्रिप पे। मतलब देखो हम कोई बहुत बढ़िया जगह नहीं गए घूमने, बस हम पता है हमारा तो यही हिसाब है सफर सफर का मजा लो। हाँ ऋषिकेश के लिए नीचे अपन जाएंगे क्योंकि रास्ता कट जाता है ऋषिकेश का, और दिल्ली यहाँ से 234 हरिद्वार, हाँ हरिद्वार से होते हुए तो रास्ता है दिल्ली का भी। कोई नहीं अभी तो ऋषिकेश जा रहे हैं भाई, बाद में चलेंगे हरिद्वार। फ्लाई ओवर से उतर के रास्ता कट जाता है यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना, ये ऋषिकेश वाली रोड है। इंडिकेटर तो दिखे यार, उनको पता है यहाँ आए तो इधर ही मुड़ेगा, वो भी यहीं जाएंगे। ये रास्ता थोड़ा सा ऑन साइड है बट आगे क्या पता सही मिल जाए। गाड़ी भाई बहुत प्रोफेशनली ड्राइव कर रहे हैं हम लोग कल से, इसलिए शायद इसने इतना अच्छा एवरेज दिया है। और आराम से ही चलानी चाहिए यार कार वार, तो देखो भाई अपनी सेफ्टी तो अपने हाथ में ही है ना। ये है भाई असली पहाड़ों की चढ़ाई, क्या बोलता है? हाँ भाई बिल्कुल, इसे बोलते हैं रियल पहाड़ों पे गाड़ी चलाना। काफ़ी मज़ा आता है यार अगर आप पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हो ना और प्रॉपर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो उस चीज़ का मज़ा आप बहुत ज़्यादा ले पाओगे भाई, बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे रोड हो। और ये ऐसा सफ़र है ना आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो, मतलब स्पेशली इन रोडों पे जो मज़ा है ना, फील है जो गाड़ी को चलाने का। और ये चीज़ वही समझेगा जिसको कार से प्यार है जैसे कि मैं तो वही चीज़ है भाई। तो अभी हम लोग हैं ऋषिकेश में, ये सामने पहाड़ दिख रहे हैं और ये रही अपनी कार। भाई यहाँ पे रुके हैं ढाबे पे, कुछ खाते पीते हैं फिर चलते हैं आगे, CNG डलवाते हैं यार। तो भाई हमने मंगाया छोले और पराठे हैं इसमें, और अभी मैगी आ रही है, चाय आ रही है, बिल्कुल बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से सीधा शिवपुरी जाएंगे। तो भाई आ गई अपनी पहाड़ों वाली मैगी, कैसी है मैगी? तो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया अपना कंप्लीट सब कुछ, अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा अपना शिवपुरी। और अभी हम लोग हैं ऋषिकेश में, ये वाला रास्ता है जो अपना सीधा शिवपुरी जाता है यहाँ से, और ये इधर से हम आए हैं देहरादून से ऋषिकेश से होते हुए इधर शिवपुरी, वहाँ से फिर हरिद्वार, उसके बाद फिर अपना दिल्ली, रात तक जाएंगे आराम से घूमते घामते। भाई यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो यमुनोत्री गंगोत्री ये सारा कुछ पड़ेगा, लेकिन हमें शिवपुरी जाना है अपना हरिद्वार तो हम राइट ले रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक है यार, गंदा वाला ट्रैफिक है, बहुत गंदा वाला, पता नहीं क्यों, देखते हैं। तो भाई अभी हमें लक्ष्मण झूला पे और CNG कहीं नहीं मिली हमें, तो अब हम पेट्रोल डलवा रहे हैं भाई अपना, पेट्रोल वगैरह डला के बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर लक्ष्मण झूला फिर शिवपुरी जाएंगे। तो भाई फाइनली 1.5 घंटे बाद हम ऋषिकेश से आगे बढ़ रहे हैं शिवपुरी की साइड। जाम इतना गंदा जाम था ना भाई, अब व्यू दिखाओ नहीं बता नहीं सकता। हाँ लेकिन यह है कि उस जाम के बाद जो नज़ारे आए ना भाई शिवपुरी जाते हुए, वो नेक्स्ट लेवल है। देखो आप सब, ये देखो भाई
पहाड़ ही पहाड़ अब दिख रहे हैं असली वाले, जो मतलब नैनीताल या फिर मसूरी पर जाओगे ना कहीं ऊपर तो पूरा ये सब नीचे गंगा है भाई। वो देखो रोड दिख रही है ना, वहाँ आएंगे अभी घूम के बिल्कुल नीचे। तो भाई ये देखो अपना राफ्टिंग पॉइंट, यहाँ से लोग अपना जो भी पैकेज वैकेज बुक करते हैं यहीं से अपना लिविंग जैकेट वगैरह पहन के नीचे उतरेंगे, और उसके बाद नीचे है रिवर जहाँ से राफ्टिंग शुरू होती है और शिवपुरी पे जाके ख़त्म होती है फिर ये। लेकिन हम ये मतलब नदी के गंगा के जरिए जाएंगे वहाँ पे, और हम कार से जा रहे हैं भाई वहाँ पे। ऐसी सड़क है भाई सारे में। अब तो हम नीचे उतर रहे हैं, अभी तो बहुत दूर तक हम चढ़ के मतलब चढ़ के जाना पड़ा था हमें, और आराम से बड़ा मज़ा आया भाई गाड़ी चलाने में। और सबसे बढ़िया जो व्यू है ना, पर हाँ व्यू देखने के चक्कर में यानी कि गाड़ी को उतार दो खाई में। तो भाई हमने कार उतार दी बिल्कुल गंगा में नीचे फुल, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ले रहे हैं वैगन आर के साथ, ऑफ रोडिंग वाला सीन बना दिया हमने। उतारते रहे, चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी पता नहीं, देखी जाएगी सब चढ़ेगी। ये सीधा भाई नीचे है अपना रिवर, यहाँ से होती है राफ्टिंग शुरू। तो भाई गाड़ी हम ले आए बिल्कुल नीचे अंदर तक, यहाँ तक कोई मतलब ट्रक और बस वस ही जा रहे हैं कमर्शियल, वैसे कोई प्राइवेट व्हीकल यहाँ कोई लेके आया नहीं है, सब उस पुल के पीछे ही हैं जितने लोग भी हैं। हम आगे आ गए भाई, बेहतरीन जगह है बिल्कुल। इधर सारे ना कैंप वैम्प है, ये शिवपुरी हाइट वाला एरिया, इधर सारा जो है कैंप में अगर आपको रहना, कैंप का स्टे वस्टे का इधर सीन है पूरा। ये देखो स्टेइंग कैंप, ये सारे कैंप ही कैंप है भाई, और इसके पीछे इधर से होती है राफ्टिंग। अभी हम वहीं जाएंगे, हम तो इधर बस आ गए थे कार को लेके, मैंने कहा वैगन आर से ऑफ रोडिंग की जाए थोड़ी सी। तो भाई फुल ऑफ रोडिंग चल रही है, बेस देखो बेस बेस सुना फुल कर भाई, फुल ऑफ रोडिंग, फुल ऑफ रोडिंग चल रही है। देख रहे हो भाई कहाँ घुसा दी वैगन आर चलते रहो चलते रहो। ओ भाई फुल टू ऑफ रोडिंग हो रही है वैगन आर से, फुल टू। बलेनो, जब जब बलेनो गई हुई है तो वैगन आर क्यों नहीं जाएगी मेरी जान, यहाँ को जाएगा पानी में। हाँ हाँ बलेनो जाके खड़ी है, या इधर ही लगा देते हैं, रिस्क नहीं लेंगे छोड़ समझ रहा। पीछे देख एक्टिवा है उधर कहीं लगाते हैं। चल और गाड़ी हो गई पार्क अपनी, लॉक है ना, चल फिर देख नंगे पैर जा रहे भाई दोनों भाई, कोई फ़ायदा नहीं है जूते, क्योंकि यार जूते फिर गंदे हो जाएंगे ना, क्या फ़ायदा, आके दोबारा पहन लेंगे पैर धो के। लॉक है चल। ये देख ये है रिवर साइड कैंपिंग, कहाँ जाना था लक्ष्मण झूला चलेंगे ना अभी, इधर तो आई अभी तू, ये तो स्टार्टिंग है आगे, आप दिखाऊं तुझे। तो भाई यहाँ है राफ्टिंग का एंडिंग पॉइंट, जहाँ से भी स्टार्ट होती होगी यहीं आगे राफ्टिंग खत्म हो जाती है लोगों की, शिवपुरी है। ये देखो अल्टीमेट वाली वाइव है यहाँ पे भाई, नेक्स्ट लेवल की वाइव आ रही है। और हम थोड़ा जहाँ पे हमने कार पार्क किया ना वहीं से मैगी की खुशबू आने लगी थी भाई, देख रहे हो भाई मैगी खाएंगे हम भी जा रहे हैं नहाने। राफ्टिंग तो की नहीं हमने, बट कोई नहीं अगली बार करूँगा, अभी नहाते हैं मज़े से गंगा जी में डुबकी मारते हैं। वो देखो भाई राफ्टिंग हो रही है अपनी, ऐसे आएंगे किसी दिन हम भी। तो भाई वसीम गंगा स्नान करते हुए फुल बाल वाल सेट कर रहा है, ये तो फोटो नहीं खींच रही भाई, वीडियो बन रही है ज्यादा अंदर मत जाइए राहुल, भाई पानी कितना ठंडा है। हाँ ज्यादा अंदर मत जाइए, देख अंकल जी की तरह वो मत दियो पोज, आराम से। तो हमारे राहुल मिश्रा व्लॉगर गंगा स्नान का मजा लेते हुए, पीछे जाना खतरे से खाली नहीं है, पीछे पत्थर भी नहीं और पानी का बहाव तेज है भाई, यही डुबकी मार रहे तो कि जय। मार दो डुबकी मुंह धो भाई, पानी बहुत ठंडा है बिल्कुल, ऐसा हो रहा है पैर हाथ जम गए, बर्फ का पानी है पूरा। चले क्या राफ्टिंग करेंगे, चलेंगे बता, तो
भाई गंगा स्नान वगैरह तो कर लिया हमने, लेकिन अब ढंग से नहाएंगे आराम से, ठंडक में बैठेंगे, पानी बहुत ठंडा है। तो कैसा लगा नहा के भाई? एक तो होता है गंगा स्नान, इसने पता नहीं कौन कौन से स्नान कर लिए यहाँ तो अभी दिखाऊंगा आप सबको। पानी इतना ठंडा है भाई, बस पूछो मत, बहुत ज्यादा ठंडा है पानी। हाँ हाँ, कहाँ गई? देखो जा रही लड़की, रोप क्लाइंबिंग होती है। बहुत दूर से है ये, बहुत दूर से आ रही है, वहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं ऐसे लटक के। फिर बहुत ज्यादा मैं तो ऐसे ही नंगा घूम रहा जब से क्या करना, कपड़े पहन के बार बार नहाना है। पानी बहुत ठंडा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी भाई, बहुत ही ज़्यादा। नज़ारे देखो यार, आगे मत जाइयो, यहीं सो जाओ 10-20 घंटे ये गंगा बेड पे। अभी क्या हुआ, मैं चप्पल लाया नहीं था, ये चप्पल लेके आया। मैंने कहा तू तो पहन ले, इसने पहनी नहीं भाई, पैर फट गया इसका, पत्थर लग गया भाई। बहुत ऊंची चढ़ाई है, गाड़ी हमने उतार तो दी है, ऊपर चढ़ा रहे हैं, पर चढ़ रही आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वहाँ पे थोड़ा सा है, हाँ अगर सामने कोई नहीं आएगा तो झटके में चढ़ जाएगी, इसलिए तो अभी यहीं रोक के रख गाड़ी, एकदम से ना खींच के चढ़ाएंगे ऊपर, ठीक है। इधर से भी शायद रास्ता है, लेकिन हम इधर से जाना सही नहीं समझ रहे, क्योंकि इधर का पता नहीं, इधर से आए तो इधर से जाएंगे। रुक जा, यहाँ गाड़ी रोक लियो, उसके बाद एकदम चढ़ा के ले जाइयो खींच के। रोक ले रोक ले रोक ले, उसको यहाँ आने दे, फिर तू खींच खींच दे। ओ भाई एक्सपीरियंस है लोकल, खींच दे। रुक जा, बोले रो टन दे, चल चढ़ा दे। जय हो मारुति 1000 cc। हाँ हाँ, तो चढ़ गई है तो यार, क्या बात है। वैगन आर भी कम है क्या किसी से? आराम से लियो, बिल्कुल सीट बेल्ट लगा ले। लगाऊं और पूछ रहा है, लगाऊं शिवपुरी से जब आप आओगे ना ऋषिकेश की साइड, तो ऋषिकेश तोपवन से पहले ही कट लेफ्ट हैंड पे पड़ता है अपना लक्ष्मण झूला का, और हरिद्वार भी हम इधर से जा सकते हैं, तो हमने वही कट लिया है। अगर हमें ट्रैफिक वगैरह नहीं मिला और हमें अगर लगा कि थोड़ी देर रुक के लक्ष्मण झूला को देख देख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से सीधा हरिद्वार का प्लान है, और देखते हैं आगे चल के। बाकी व्यू भाई, व्यू तो बढ़िया है, हर जगह का व्यू अच्छा है। अभी लक्ष्मण झूला देखना था बस, वो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। एक चीज़ और बता दो भाई, CNG की गाड़ी से अगर आ रहे हो ना तो भूल जाना, इधर देहरादून में CNG आपको मिलेगी कहीं, बस हमने दिल्ली से जो फुल कराया था। अगर CNG चाहिए तो एक बंदे को रात को कार में सोना पड़ेगा। हाँ ये देखो भाई, राफ्टिंग हो रही नीचे, अभी हम लोग इधर से ही आ रहे हैं, बहुत आगे से यहाँ से जा रहे हैं, बढ़िया पूरा एकदम बहुत दूर तक जाते हैं यहाँ से। तो वही बता रहा था मैं कि CNG की आज छोड़ देना भाई, यहाँ नहीं मिलने की CNG आपको। हम मम्मी जब UP पहुँचेंगे कहीं तब मिले, ठीक है, नहीं मिले तो पेट्रोल, तो पेट्रोल तो चल ही रहा है अपना, पेट्रोल पे तो काम चल ही रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यह थोड़ा मिल जाता तो सस्ता पड़ जाता है साहब, ये है। आराम से, बहुत बहुत आराम से, बहुत खतरनाक रोड आ गई भाई, बहुत ही ज़्यादा रिस्की मामला इधर, बिल्कुल गाड़ी ऐसे लेके चलनी है, बिल्कुल 1 इंच भी पीछे नहीं आनी चाहिए मान लो। इधर पूरा लक्ष्मण झूला वगैरह, बहुत खतरनाक रोड आ गई भाई। यहाँ पे ना व्यू काफी अच्छा आ रहा था, तो हम लोग रुके थे भाई इधर थोड़ा सा, नजारा देखो ये अपनी धन्नो, मस्त व्यू है, बिल्कुल मस्त वाला। तो भाई यहाँ रुके तो थोड़ी देर के लिए, और बढ़िया फोटो वोटो लिए 2-4, और अब चलते हैं, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा से लग रही है, गाड़ी में चलते हैं आराम से। अब सीधा गाड़ी हरिद्वार रुकेगी भाई, ठीक है, चलो मिलते हैं। मैं तो थक चुका हूँ ड्राइविंग कर करके, अब मैंने राहुल को दिया है, मुझे इसकी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा है।
बहुत मस्त गाड़ी चलाता है, स्पेशली ऐसे एरियाओं में जहाँ पर मोड़ ज़्यादा हो, पूरा मस्त होकर ड्राइविंग करता है। पर फिर भी हमें थोड़ा संभल के चलना है, क्यों राहुल? पर बाकी तू अपने तरीके से चला जैसे तू चलाता है भाई। क्या नजारे हैं यार, नजारे तो लोगों ने देख लिए। सिंपल रास्ता आ गया। एक बार बताऊं, ये जो हमने रास्ता चूज किया है ना हरिद्वार से, ऋषिकेश से हरिद्वार का, दूसरे वाले चलते हैं ना, इतना मजा नहीं आता। हाँ वो प्लान रास्ता था, इतना वो एडवेंचर वाला सीन नहीं था। अच्छा एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि आप जब भी यहाँ पर आओ ना तो थोड़ा देख के रोड पे इस पे चलाया करो, क्योंकि यहाँ पर टाइगर रिजर्व एरिया है, टाइगर भी दिखते हैं यहाँ पर ज्यादातर। और कभी भी अपने बिना सिक्योरिटी के गाड़ी से ना उतरे, आसपास देख ले क्या माहौल है क्या नहीं, जहाँ पर ज्यादातर लोग इकट्ठे हो वहाँ पर उतरो। क्यों राहुल? सही बात है भाई, अकेले में तो बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं चाहिए यार। और हाँ एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एट दिस एरिया। जैसे आगे वाली गाड़ी में पता क्या है जी, अभी पी के उसने बोतल फेंक दी नीचे, बोतल कट टूटी है, मैंने तुरंत कट मार के टायर बचा लिया। अगर क्या होता वो शीशा जो कांच है अगर टायर में, हाँ, हम खड़े रह जाते हैं यहाँ बेफालतू आ जाते, लेकिन ये सब कौन समझाए इनको यार। तो पीना यार, होटल वोटल लेके जाओ पियो ना भाई। हाँ इतने होटल गाड़ी से पीस में बोतल को वहाँ पे रखोगे मतलब अच्छी जगह फेंको, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है दोस्त, सिंपल सा रास्ता आ गया बसिंग। तो भाई ये कटाया था एक लेफ्ट हरिद्वार के लिए, और यहाँ देखो भाई अपनी जो रोड है बिल्कुल गंगा साइड से चलेगी चिपक के, और भाई नज़ारा अल्टीमेट अलग लेवल का मजा आ रहा है यहाँ ड्राइव करने में यार। साइड में गंगा जी बह रही है, देखो भाई देखो देखो उल्टू मजे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया एक, और ये पूरी ये गंगा जा रही है हरिद्वार सीधा, ये रोड जाएगी, हमें यहाँ से हरिद्वार जाना है। पर इधर लोगों ने कहा थोड़ा बढ़िया अट्रैक्शन आया कुछ घूमने का सी साइड, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं पैदल कितनी दूर जाएंगे, हिम्मत नहीं बच रही, गाड़ी लेके चलते हैं, कार लेके चल रहे हैं यार, कार लेके चल रहे हैं, पैदल कितनी दूर जाएंगे। तो लोग पैदल बहुत जा रहे हैं, तो पैदल जाने की हिम्मत नहीं, तो हम गाड़ी घुसा रहे हैं अपनी, पत्थर पत्थर से थोड़ा आराम आराम से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैदल बस की नहीं यार जाने। तेरा गंगा जी है पूरी प्रॉपर, तो देखते हैं थोड़ा सा उतर के व्यू दिखाता हूँ आप सबको। ये देखो उधर है वो रोड हरिद्वार वाली, लेकिन हम इधर से अंदर आए हैं थोड़ा, बहुत ज़्यादा गहरा वैगनार तो फुल चौड़ में घूम रही है आज, कोई दिक्कत नहीं है आज, ऐसे गहरे जहाँ मर्जी वहाँ ले चलो। भाई कुछ भी बोलो, नज़ारे ऐसे आ रहे हैं ना भाई रास्ते में, फुल पैसा वसूल हो गया आना, मतलब पूरा देहरादून ऋषिकेश हर जगह बोल दिया। तो भाई फाइनली रुड़की में आके हमें CNG मिली है, मतलब हमने घर से डलवाई उसके बाद देहरादून पूरा नहीं पहुँचे थे, बीच में ख़त्म हो गए, उसके बाद पूरी गाड़ी कंटिन्यू जो है देहरादून हरिद्वार और ऋषिकेश आदि मसूरी, मतलब सब हमने पेट्रोल पे कवर किया, और वहाँ से निकल के कम 100 किलोमीटर हम इधर आए हैं पेट्रोल पे ही, तब फाइनली जाके हमें CNG मिली है भाई, वो भी रुड़की में। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, अभी भी हमें 200 किलोमीटर ट्रेवल करना ही है, तो कुछ तो पैसा बच ही गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। अब ये है कि अभी हम अपना फुल कराएंगे ना तो हम सीधा घर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे डलेगी बस जाती। हाँ ये है अपना। तो भाई ये देखो ड्राइवर बाहर से फिटेड है, बट मैंने भैया से बात करी, बता रहे बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अपनी गाड़ी में भी CNG डल रही है भाई, और यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है, 96 का रेट है भाई CNG का यहाँ पे, पर कोई नहीं। तो भाई हरिद्वार पहुँच गए, ये देखो भोलेनाथ, हर हर महादेव, ये भाई पूरी गंगा जी अपनी, और बीच में छोटे से भोलेनाथ, उसके बाद उधर बड़े, अलग ही व्यू है भाई, अलग नेक्स्ट लेवल का है यहाँ तो मज़ा। तो भाई यहाँ रुके थे ढाबे पे रेड चिली करके, और खाना खाया, काफ़ी अच्छा था खाना भाई, सारी चीज़ें थी चाइनीज़ वगैरह, मेन कोर्स वगैरह अपना इंडियन फूड सब कुछ था। और अब सीधा यहाँ से अपना घर है 150 किलोमीटर, अब नॉन स्टॉप सीधा घर पे गाड़ी रुकेगी, और टाइम हो रहा 6 बज चुके हैं, वही होपफुली 9 बजे तक पहुंच ही जाएंगे, और अभी
कोल्ड ड्रिंक रह गई थी, मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक ले ले यार, चलते चलते पी लेंगे, तो वही लेने गया वसीम, आ रहा है फिर निकलते हैं। रातों का सुकून है, सुबह की अजान है, दर्दों के बादलों में मैंने है संभाली तू, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे आधार जैसा ना कोई। भाई यूपी हर चीजें बढ़िया है यार अपनी, कुछ कैसे उत्तराखंड में 96 में डलवाई हमने सीएनजी, और कोई प्रेशर नहीं था, 4.5 किलो के आसपास गैस आई थी, और भाई हमने यहाँ अपने बागपत में डलवाई है, 80 का रेट है सीएनजी का, और प्रेशर था 200 कुछ, और गैस आई है पूरी 8 किलो, टंकी पूरी फुल हो गई सीएनजी की, और भाई गाड़ी ने दिया है सीएनजी में 34-35 का एवरेज जाते हुए भी और आते हुए भी। तो भाई बाइक वाइक छोड़ो, वैगन आर लो, मजे से अपना एसी में घूमो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो कैसे ट्रक कैसे कट मारा भाई, रात में ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल ध्यान से रखना, चेन इंडिकेटर जलाया नहीं, हाथ से ही हाथ हिला रहा है, अब मेरी नज़र नहीं पड़ती हाथ पे, तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, रात में ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ का थोड़ा सा, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि भाई ट्रिप बहुत अच्छी रही, काफ़ी मज़ा आया, और थकान अब लग रही है थोड़ी बहुत, वो भी थकान इसलिए कि अब सोना है, बाकी वैसे कोई वो नहीं है कि अभी चलाने के, तो बहुत दूर तक चले जाएंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सेकंड थिंग ये है कि भाई अब जो भी अपना ये वीडियो है ब्लॉग है, इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, और बहुत जल्द मिलते हैं किसी दूसरे ट्रिप पे, दूसरी जर्नी में, तब तक के लिए भाई ध्यान रखो अपना, गुड नाइट, टेक केयर।